अच्छा तो हमने लास्ट टाइम जो है वो फंक्शंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? फंक्शंस फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शन क्या होता है? बहुत सारी कोड को एक कंटेनिंग। आप लोग सब भी पढ़ लो, रिवाइज हो जाएगा आप सबका। हाँ भाई, फंक्शन क्या होता है? बहुत सारे कोड को एक जगह जमा कर देना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको जब भी यूज करें तो सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखें, कॉल करें और वो हमारा काम हो जाए। जैसा कि मिसाल अभी हम क्रिकेट गेम वाला देख रहे थे, तो देखो कितना सारा कोड है। ऐसा ही एक स्लीप का फंक्शन है, एक टॉस का फंक्शन है, एक इनिंग्स का फंक्शन है। तो इतना सारा काम हुआ हुआ है, लेकिन मैंने जब इसको यूज करना चाहा तो मैंने सिर्फ एक टॉस को कॉल किया। किसको कॉल किया? टॉस को कॉल किया। टॉस ने अपने अंदर ही स्लीप को कॉल किया हुआ है, इसी के अंदर इनिंग्स वाला फंक्शन भी कॉल हुआ हुआ है, तो मुझे और किसी को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना बड़ा कोड सिर्फ एक वन ऑफ लाइन कॉल पर चल गया। तो ये फंक्शन का काम होता है कि बहुत सारे कोड को एक छोटे से कंटेनर में बंद कर देना, और उसको जब आपको इस्तेमाल करना है उसका नाम लिखे आगे ब्रैकेट्स लगा दो। सही है? बोल ही नहीं रहे। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने पैरामीटर्स वगैरह पास करना भी देखे थे, याद है? बोल ही नहीं रहे। इसकी थीम वाइट कर दो थोड़ी। हाँ, तो पैरामीटर्स पास करने का मकसद क्या है भाई? कोई भी हम वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पास करना चाह रहे हैं तो हम इसको पास करेंगे। आपने असाइनमेंट किया? आवाज ही नहीं आ रही। चलो एक काम करते हैं, असाइनमेंट पे आते हैं। सही है? कहा था वो, देख रहा भाई फंक्शन का असाइनमेंट कहा है? ये मैथिंग मेथड से नहीं, ये नहीं, मैंने निकाल के ये रहा फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पर भी थी। सही, चलो भाई ये तो इजी इजी वाले हैं। मुश्किल है? आगे मुश्किल है। चलो ये बताओ, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स स्टार्ट एट एंड नंबर एज इनपुट्स एंड डिस्प्ले काउंटिंग इन योर ब्राउजर। चलो भाई एक फंक्शन बनाओ जो कि स्टार्ट नंबर लेगा और एंड नंबर लेगा एज एन इनपुट। फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट होना चाहिए, यानी फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट नहीं बोला, फंक्शन के पैरामीटर्स में आपने पास करना है। लेट्स से पास आपने ये करना है कि यार एक फंक्शन है क्रिएट लूप करके। किस तरह भाई? बोल ही नहीं यार। और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ 2 और 9, ये दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। क्या पास कर रहा हूँ मैं? तो अब ये जब फंक्शन चले तो ये मुझे लूप करके दिखाते 2 से लेकर 9 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ जाए। कर सकते हो? बोल ही नहीं रहे। कैसे होगा? क्या करूंगा बताओ? पहले फंक्शन बनेगा, बताओ। आवाज नहीं आ रही। क्रिएट लूप, यार आज तो इतने लोग हैं, आवाज निकाल गया। क्रिएट लूप, इतने दिनों बाद इतनी बड़ी क्लास को पढ़ाने का मौका मिलना है। हाँ भाई, फंक्शन क्रिएट लूप, फिर इसके बाद हाँ, अब चूंकि वहां से पैरामीटर में भेजा हूं तो ये आर्गुमेंट में रिसीव करूंगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। सही है ना? अच्छा, इसके बाद लूप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है और सेकंड नंबर तक ले जाना है। क्या करना होगा? फॉर वार आई इक्वल्स टू 0, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है, कहां तक ले जाना है? लेस देन इक्वल टू कर दू ताकि उसको भी शामिल कर ले। अच्छा सही, ग्रेटर देन, वेरी गुड, बेस्टी करवा लो। क्या करू फर्स्ट नंबर को ना? कंसोल किसको करू? क्यों आई को भाई? आई में फर्स्ट नंबर से लेकर सेकंड नंबर तक की पूरी रेंजिंग आई, ऐसा ही ना? अब बना लो क्रिएट लूप और उसको दिया 2 से 9, चीते हो गए। देखो नहीं, यूजर से नहीं लेना अभी, इससे बोले फंक्शन में पास करो। सही भाई? तो अब आपका कस्टम लूप बन गया, ये कितना आसान हो गया। देखो कभी आपको लूप चाहिए हो किसी अलग अलग नंबर का, भाई 1000 से लेकर लाख तक का लूप लगा, ओ हो भाई हल्के में नहीं आएगा। देख रहे हो आप, देख रहे हो, चल गया भाई, चल गया, मतलब हल्के में नहीं आ रहा। वो बोलेगा हुक्म करें सर कितना लूप चलाना आपको। समझ में आया भाई? अच्छा, और क्या है? कहां गया?
ये बताओ भाई, राइट अ नेस्टेड फंक्शन दैट कंप्यूट्स हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनियस क्या होता है? ये होता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। टेक बेस एंड परपेंडिकुलर एज इनपुट, बेस और परपेंडिकुलर को आप इनपुट लोगे। आउटर फंक्शन कैलकुलेट हाइपोटेनियस और इनर फंक्शन कैलकुलेट स्क्वायर। अच्छा, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है पता है? जैसे इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ था, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन नेस्टेड इफ है, नेस्टेड फंक्शन है, ऐसा ही है। तो बोल रहे पहले कैलकुलेट हाइपोटेनियस बनाओ स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेट हाइपोटेनियस बनाओ एक फंक्शन, बोल ही नहीं रहे, ठीक है। और इसके बाद हर चीज का बोल रहे स्क्वायर चाहिए ना आपको, बोल ही नहीं रहे, तो स्क्वायर के लिए भी एक फंक्शन बनाओ। कैसे होगा? पहले कौन सा फंक्शन बनेगा? कैलकुलेट हाइपोटेनियस, और बोल रहा है उसके अंदर जो है ना वो बनाओ, क्या बनाओ? कैलकुलेट स्क्वायर शरीफ। कहां गया भाई फंक्शन? कैलकुलेट हाइपोटेनियस, पता नहीं स्पेलिंग सही है ना। हाँ हाँ सिर्फ यूएस, फिर भी तमीज होनी चाहिए। हाँ भाई, इसके बाद क्या करना है इसके अंदर? अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ, पहले बोल रहे हैं कि दो चीजें आप इनपुट लो, कौन कौन सी? बेस और परपेंडिकुलर। तो ये प्रॉम ले सकते हैं, वार क्या नाम है, बेस इज इक्वल टू प्रॉम, एंटर। भाई आप लोग बोल ही नहीं रहे, क्या करना है? बेस वैल्यू, और बेस के बाद परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू प्रॉम, एंटर परपेंडिकुलर वैल्यू। अच्छा जरूरी है प्लस लगाना? देखते हैं अभी आगे फॉर्मूला क्या है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूं वार हाइपोटेनियस, टीनस, अबे भाई ठीक है, अब इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर नहीं है, बोलिए नहीं, बेस और परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि क्या है? उनका स्क्वायर है। उनका क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस को बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर को, मतलब स्क्वायर का मतलब यह है कि इसको दो बार मल्टीप्लाई करो आपस में। लेकिन ये अजीब सा लग रहा है ना, मतलब बेस मल्टीप्लाई का बेस प्लस परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, ये अजीब सा लग रहा है। तो इसके लिए बोल रहे यार, ये जो आप दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसके लिए एक अलग फंक्शन बना लो, इसके लिए एक अलग, बोल ही नहीं रहा, फंक्शन बना लो। आप इसके अंदर बोल रहे ये नेस्टेड फंक्शन बना लो। नेस्टेड फंक्शन क्या होता भाई? अच्छा आपसे सवाल हो कि यार ये जो अभी फंक्शन आप बना लो, नेस्टेड फंक्शन का मतलब है यही पे फंक्शन बना लो, फंक्शन का नाम स्क्वायर, कैलकुलेट स्क्वायर, आवाज ही नहीं आ रही। और इसके अंदर आपने दे दिया वैल्यू कि किस चीज को आपको करना है, और उसको हम क्या करेंगे, क्या करके रिटर्न कर रहे होंगे? वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे होंगे, ऐसे ही वैल्यू मल्टीप्लाई में, सही है। अब सवाल ये, अच्छा यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर सिर्फ बेस लिखूंगा नहीं, बल्कि ये लिखूंगा कि भाई कैलकुलेट स्क्वायर और इसके अंदर लिख दूंगा बेस। समझ में आई? अभी कैलकुलेट स्क्वायर में क्या पास हो रहा है? बेस पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है भाई? तो यहां पर बेस मल्टीप्लाई बेस होकर रिटर्न हो जाएगा, ऐसा ही है? आपको पता है रिटर्न की वैल्यू कहां पर छपती है? जहां से उसको कॉल किया जाता है, जहां से उसको, यानी जैसे ही ये कैलकुलेट कर लेगा तो वो वाली वैल्यू यहां रख देगा। इसी तरह सेम मैं ये काम यहां पर भी करूंगा, हाँ उसके अंदर दे दूंगा परपेंडिकुलर, आगे वाले हर चीज को हटा दूंगा। अब तमीज का कोड लग रहा है ना आपका, बोल ही नहीं रहे। आप समझ में आ रहा है कि यार हाइपोटेनियस जो है वो कैलकुलेट स्क्वायर बेस और कैलकुलेट स्क्वायर परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के स्क्वायर को एडिशन का नाम है, ऐसा ही ना, बोल ही नहीं रहे। अच्छा इससे काम हो जाएगा? बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं, हो जाएगा पक्की बात। अब पहला सवाल तो ये है कि इसको नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं? कितने लोग बोलते हैं या कॉन्केटिनेशन हो जाएगी आपके मुताबिक?
कौन कौन चीता है दिखाओ, शक्लें होने की चीते लोग। अरे क्या हो गया, मेरी चीते बंद पे क्यों शक कर रहे हो भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है भाई। और कौन लोग बोलता है जरूरत नहीं? देखो हमारी क्लास का रूल है, या तो ये साइड पे होगा या वो साइड पे होगा, बीच में जो होगा आपको पता है किस राह पे होता है। हाँ भाई, तो कौन कौन बोलता है कि स्क्वायर हो, स्क्वायर क्या कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी अगर मैं नंबर में कन्वर्ट नहीं करता? फिर से कॉन्कैटिनेशन वाले। और कौन कौन बोलता है कि नहीं मसला नहीं है, इसमें चल जाएगा? अच्छा, इसका मतलब कॉन्कैटिनेशन वाले ज्यादा है। क्यों जरूरत है भाई कॉन्कैटिनेशन की? नंबर नंबर को प्लस कर देगा, नंबर नंबर आपस में प्लस हो जाते हैं, मतलब कॉन्कैट हो जाते हैं नंबर नंबर आपस। ओ 42 प्लस 52 कॉन्कैट हो जाएगा। अबे तुम बोलो नंबर नंबर, तुमने स्ट्रिंग नहीं बोला। कॉन्कैट कर देगा प्लस की वजह से। भाई स्ट्रिंग में करता है ना कॉन्कैट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्लस हो रहे होते हैं कॉन्कैट करता है ना। नंबर प्योर नंबर वैल्यू हो, प्योर नंबर स्ट्रिंग ना हो तो प्लस नहीं करेगा ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो बेस के अंदर स्ट्रिंग आ रहा है, परपेंडिकुलर के अंदर स्ट्रिंग आ रहा है। स्ट्रिंग पता है ना क्या है? तो वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपस में प्लस कर देगा, ये कह रहे हो ना आप? भाइयों बोल ही नहीं रहे, आप सबका यही मकसद है। मुझे इतना जवाब दो, जब ये कैलकुलेट स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर वो बेस जो स्ट्रिंग थी और वही बेस जो स्ट्रिंग थी, यानी दोनों बेसिस स्ट्रिंग आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसा है ना भाई? जब कैलकुलेट स्क्वायर बेस के लिए कॉल हो रहा है तो बेस के अंदर यू तो स्ट्रिंग वाली वैल्यू, लेट्स से 52 दिया हुआ है, तो 52 स्ट्रिंग इनटू 52 स्ट्रिंग, ये आपस में क्या हो जाएगा, नंबर या स्ट्रिंग? भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो आउटपुट किस में आ रहा है? बोल ही नहीं रहे, किस में आएगा? नंबर में आएगा। तो यहां पर फिर क्या लिखा जाएगा, नंबर या स्ट्रिंग? और फिर यहां पर भी अब बताओ कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं समझे? देखो मैं सीन बता रहा हूं भाई, ये दो स्ट्रिंग 52 बेस को मैं बेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, बोलो ना भाई, इनका आउटपुट नंबर में आएगा स्ट्रिंग में आएगा? नंबर में आएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ऑलरेडी नंबर में जब कन्वर्ट हो चुका है तो मुझे फिर बाहर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर भी नंबर आ रहा होगा, ऐसा ही है? तो आप मुझे नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अक्सरियत गलत हो गई भाई, ये होता है भाई, ठीक है, ये इससे हो जाएगा? बोल ही नहीं रहे। आखिर में कंसोल कर देता हूं या रिटर्न कर देता हूं हाइपोटेन्यूस को, सही कैलकुलेट कर लो हाइपोटेन्यूस। अब ये मुझसे बेस वैल्यू पूछेगा, बेस वैल्यू दे दो 20, परपेंडिकुलर 10, कितना है? 500। कितना है भाई? अब मेरा आपसे चंद सवाल है, कैलकुलेशन तो अपार्ट है, मैथ्स का काम है, हम उसकी बेस पे नहीं जा रहे, हम ये देख रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये जवाब दो कि ये फंक्शन मैंने नीचे बनाया, कॉल में उसको ऊपर कर रहा हूं, तो कोड तो लाइन बाय लाइन चलता है ना, कोड लाइन बाय लाइन चलता है ना भाई, पहले इस लाइन पर आएगा, फिर पहले इस लाइन पर, फिर इस लाइन पर, फिर इस लाइन पर, जब इस लाइन पर आया होगा तब तक तो फंक्शन बना ही नहीं होगा, तब तक तो फंक्शन बना ही नीचे, तो ये फिर यहां पर उससे एरर क्यों नहीं दिया? क्या रिटर्न? हाँ देखो आगे की क्लास बता रही, क्या फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाता है? ये कौन सी किताब में लिखा है? फंक्शन ऊपर आया था सीढ़ी चढ़ के, फंक्शन को न्यास पानी भू के फंक चढ़ के आया थे, महफिल एंड होती है तो। हाँ भाई क्या सीन है, कहीं भी कॉल हो जाते हैं? क्यों कॉल हो जाते हैं कहीं भी? सवाल ये ना भाई, मैंने सवाल बिल्कुल बिला दलील नहीं किया, दलील के साथ किया कि हमारे मुताबिक कोड जो है वो क्या होता है, लाइन बाय लाइन चलता है, जावास्क्रिप्ट का कोड चलता ही लाइन बाय लाइन है, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन चल रहा है। तो अब जब इस लाइन पे आएगा तो फंक्शन तो बना ही नहीं था, जब फंक्शन नहीं बना तू रिटर्न छोड़ देगा, रिटर्न का गेम ही नहीं है, पीछे पड़ गया। फंक्शन जब बना नहीं है तो थर्ड लाइन पे उसको फंक्शन मिल कैसे रहा है? फंक्शन तो चौथी पांचवी लाइन पे बन रहा है। क्या चीज फिर बोलो? ऊपर आए थे। क्यों ऊपर आए थे भाई, कैसे ऊपर आए थे? ऊपर एक साथ जमा हो जाते हैं शायद की मक्खियों के नक्षत्र में। ये कौन सी किताब में लिखा है, किसने पट्टी पढ़ाई? हाँ
आप लोग जो बोले ना ऊपर चढ़ के आया था, तो ऊपर चढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है जी बोलो यार बोलो क्या ऐसे लोग बन के मेंबर पर चढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि फुला 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 किताब में ये लिखा है, हम ये साबित करके रहेंगे। अबे भाई अपनी भंकस कर रहा है, गॉड मास रूल लगा रहा है, मैथ्स को फुल मिला दिया इसके साथ। भाई सीन ये जो उस बंदे ने कहा ना होस्टिंग, ये एक टॉपिक है। क्या हो गया? अच्छा टॉपिक का नाम है भाई होस्टिंग। क्या नाम है? ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, अपने इंटरव्यू के सेक्शन में इसको लाजमी लिख लो। टॉपिक का नाम क्या? होस्टिंग। ये होस्टिंग, ये इतना समझ लो, बस छोटी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा डीप बात नहीं है। एग्जीक्यूशन जो होती है ना कोड की, वो दो तरीके की है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकल, लेक्सिकल कंपाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा। कॉन्सेप्चुअली दो तरह की कंपाइलेशन है, यानी कंपाइल होते कोड का चलना। पहली कंपाइलेशन जो है ना वो होती है बेसिकली जावास्क्रिप्ट, समझ लो ऊपर वो नहीं चल रहा आजकल, क्या होता है वो हेलीकॉप्टर, क्या बोलते हैं कैमरे वाले को, ड्रोन। ड्रोन तो समझ लो जावास्क्रिप्ट ड्रोन की तरह जो है ना पूरा कोड देख रहा होता है ऊपर से, सही। और उसके अंदर से जो वेरिएबल्स है, क्या क्या वेरिएबल्स और फंक्शंस, इन दोनों को देख लेता है। ऊपर ऊपर नहीं ले आता, चढ़ा नहीं देता, समझो। ऊपर से क्या देख लेता है वो, कि कितने वेरिएबल्स बने हुए, कौन कौन से वेरिएबल्स बने हुए और कौन कौन से बोलिए कौन कौन से फंक्शंस बने हुए, बस ये देख लेता है। उनके नाम स्टोर कर लेता है अपने पास, क्या कर लेता है उसके नाम स्टोर कर लेता है। अब ये एक स्कोप था, यानी ये कंपाइलेशन थी जो ऊपर से उसने सारा कोड देख लिया और सिर्फ फंक्शंस और वेरिएबल्स को अपने पास स्टोर कर लिया, ये है। और फिर नेक्स्ट टाइम वो कोड लाइन बाय लाइन चलाता है, नेक्स्ट टाइम वो कोड लाइन बाय लाइन चलाता है। अब वो जब लाइन बाय लाइन चलाता है तो अगर जो फंक्शन 10 लाइन नीचे होता है और कॉल ऊपर हो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में होता है कि यार ये फंक्शन का नाम है और ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो उसको कॉल कर देता है वो। बात समझ आई? वो पहले समझ लो पूरा कोड आपका ओवरव्यू कर चुका है और उसके अंदर से फंक्शन और वेरिएबल निकाल चुका है, ठीक है। वो उसे अच्छा वेरिएबल की वैल्यूज ही निकाल चुका, ये याद रखना। आप देखो मैं आपको सीन बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं होस्टिंग। क्या कहते हैं? होस्टिंग। आप सीन देखो, अभी मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग के, क्या लिखूं मैं? कंसोल डॉट लॉग बोलिए के, क्या आ रहा है? के इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि के का कोई नामो निशान ही नहीं पूरे कोड में। अब आप सीन देखो, यही चीज मैं कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग के, लेकिन के को बना रहा हूं मैं बाद में, पहले कंसोल हो रहा है, लेकिन के को मैं कब बना रहा हूं? बोल ही नहीं रहा, बाद में। आप बताओ क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए। क्यों? अगर हम उसी कॉन्सेप्ट से चलें कि लाइन बाय लाइन कोड चलता है, तो यहां पर उसूलन एरर देना चाहिए, क्योंकि के बाद में ही है। इस वक्त जिस वक्त ये यहां पर खड़ा होगा उस वक्त तो के नहीं है ना, बोल ही नहीं रहा। लेकिन वही बात होस्टिंग की, होस्टिंग क्या करता है भाई, जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि पहले मैं पूरा कोड देख लूं ऊपर से नीचे तक। अब उसने वेरिएबल के को अपने पास स्टोर कर लिया कि वेरिएबल के कोई वेरिएबल है, बट नॉट इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं किया। देखो अब आप कंसोल डॉट लॉग के में क्या आता है, अब एरर नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है? तो ये याद रखना, वेरिएबल की वैल्यू अपने पास स्टोर नहीं कर लेगा पहले फेज में। फेज नंबर वन जो ड्रोन वाला है ऊपर से जो देख रहा है कोड को, उसमें से वेरिएबल का नाम अपने पास स्टोर किया हुआ है। आवाज ही नहीं आ रही, क्या स्टोर किया भाई? वेरिएबल का नाम स्टोर कर लिया, वैल्यू स्टोर नहीं किया। वैल्यू कब आएगी? जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद जब मैं कंसोल लगाता तो उसमें वैल्यू आती, पहले वाले कंसोल में वैल्यू नहीं आएगी, अनडिफाइंड आ रहा है कि हाँ ये कोई चीज है पर पता नहीं क्या है, सही है ना? yes, भाई बोल दो यार। yes, फंक्शन का पूरा डेफिनेशन वो पढ़ लेता है शुरू में, ठीक है। तभी ये हुआ कि फंक्शन जब हमने कॉल किया तो कॉल हो गया, मतलब उसमें कोई अनडिफाइंड वाली चीज नहीं मिली, सही है भाई? बोल ही नहीं रहे यार। मुझे याद पड़ा, इस चीज को बोलते हैं लेक्सिकल फेज कहते हैं कंपाइलेशन। एक लेक्सिकल कंपाइलेशन है और फिर एक एग्जीक्यूशन फेज है। यानी लेक्सिकल में होता है कि ड्रोन वाला मामला पूरा करके देख लेता है ऊपर से कि क्या वेरिएबल है क्या फंक्शंस है। ये बात समझ में आई? एक और सवाल, अगर मैं इसको बाहर बना दूं तो क्या प्रॉब्लम है? ओहो, ये तो अभी हमने नेस्टेड बनाया ना, बोलो ना यार। अगर इसको बाहर बना दो तो क्या प्रॉब्लम है?
कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा? कौन को बोलता है चलेगा? हो सकता है इस कहानी में भी ट्विस्ट हो भाई। फंक्शन अभी कैलकुलेट पर अंदर बनाया हुआ था, अब मैंने बाहर बना दिया। पहले कैलकुलेट हाइपोटेनस का नेस्ट था यानी चाइल्ड था, ये कैलकुलेट स्क्वायर, अब मैंने बाहर निकाल दिया इसको। समझे ना क्या किया? अब सवाल ये कि इससे कोई कोड पर यानी आउटपुट पर कोई फर्क आएगा? सोचो जरा, हो सकता है कहानी में कोई ट्विस्ट हो। आएगा ना? क्या वैल्यू की वजह से? सोचो इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, अगर जवाब आता होगा तो आ जाएगा। दिमाग चला, मुंह देखोगे तो वो फिर कुछ और दिखाएगा। मतलब दिखाएगा जाओ यहां से, लेटर दिखाएगा। हाँ भाई, हाँ सीन यार, क्या सीन है? कितने लोग बोलते हैं सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं? एक ही बंदा है भाई, एक दो तीन बंदे, चार पांच। और कितने लोग बोलते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम लग रही है हमें, मतलब महसूस हो रहा है कि कुछ हो जाएगा जिस तरह आप बोल रहे ना। मर्दाना हाथ, मर्दाना कि हाँ यार प्रॉब्लम हो जाएगा है। अब हाथ नीचे करो, इस टेक्निक को बोलते हैं कंफ्यूजन फैलाना, और हकीकत में वो कंफ्यूजन होती नहीं है। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं अभी चला लू कच्ची नौ। सही है ना? कितना पहले 20 और 10, कोई मसला नहीं। क्या बाहर निकाल दो, अंदर निकाल दो, कोई मसला नहीं। ऐसा ही भाई नहीं, क्या होल्स्टिंग भाई, होल्स्टिंग तो पूरा कोर्ट देख रहा है ना आपका। अब वो चाहे अंदर पड़ा हुआ, बाहर पड़ा हुआ, कहीं भी मरा हो उसको देखना ऊपर से, समझ लो ना भाई। भाई बोल ही नहीं रहा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर नेस्टेड बनाने का फायदा क्या? सवाल तो ये है ना, देखा अल्लाह का वाली दिल की हाल जान लेता है, लेकिन मैं हूं नहीं, मैं अंदाजा करता हूँ। समझ में आई भाई? ये बताओ कि ये फिर हम अंदर बनाने का क्या फायदा? अभी इससे बोला नेस्टेड बनाओ, तो अंदर बनाओ बाहर बनाओ काम तो सेम हो रहा है, तो फिर नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया? क्यों बनाया नेस्टेड फंक्शन है? इसी में आ जाए ज्यादा बोलना हो, क्या मतलब? जी अब वो काम की बात कर रहे हैं, जरा सुन लो। हाँ तो क्या उससे क्या फर्क आएगा? अगर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और नेस्टेड फंक्शन है तो वो उसी फंक्शन के, ठीक है, और अगर बाहर कॉल हो रहा है तो वो पेरेंट एलिमेंट से बाहर आ गया। पेरेंट एलिमेंट से बाहर आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे फर्क ये पड़ेगा कि उसको जब हम कॉल करेंगे पेरेंट एलिमेंट को तो वो चाइल्ड लाजमी चलेगा, लेकिन बाद में चलाना पड़ेगा तो हमें चाइल्ड को कॉल करना पड़ेगा। अभी तो ऐसा कोई नहीं सीन हुआ था, अभी देखो ना, मैंने फंक्शन को सिंपली बाहर निकाला था, कॉलिंग स्ट्रक्चर में तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया ना। कॉल तो वो अपनी जगह से ही हो रहे हैं और कॉल बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, पेरेंट वाला कॉल किया उसके अंदर चाइल्ड मौजूद था, जब चाइल्ड बाहर निकाल देंगे पेरेंट रखेंगे, चाइल्ड बाहर निकाल देंगे और पेरेंट रखेंगे तो वो नहीं चलेगा। कौन नहीं चलेगा? देखिए देखिए अभी नहीं ना, सही बोल रहे ना भाई, उनसे बात करते ना क्या होगा। हाँ बताए, अभी मैंने बाहर निकाल दिया, अब आप क्या बोल रहे? बोलो ना भाई, चाइल्ड मतलब कैलकुलेट स्क्वायर, उसको अगर हम बाहर निकालेंगे, निकाल दिया सही है, तो ये एग्जीक्यूट होगा लेकिन पेरेंट के थ्रू नहीं होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये मुश्किल अल्फाज बोल रहे यार, बच्चे कैसे समझेंगे कॉम्पैक्ट का क्या मतलब? सर आप समझ जाए ना, अब मैं क्या बोलूं, लाइन ऑफ कोड जो कम रहेगा आपकी एक जगह पे। ये जो कहना चाह रहे हैं वो सही कहना चाह रहे हैं। अब आप सीन देखो, सीन ये है, मुझे बताओ कि कैलकुलेट स्क्वायर जो है ये मुझे क्या कैलकुलेट हाइपोटेनियस के बगैर भी कॉल करना है या नहीं? अभी सवाल ये कि क्या इसका कोई एक्स्ट्रा काम है या कैलकुलेट हाइपोटेनियस के अंदर ही काम है? बोल ही नहीं रहा, अबे बोल दो यार। अगर तो ये फंक्शन मुझे मल्टीपल जगह आउटसाइड भी यूज करना होता, यानी बाहर और किसी फंक्शन में भी इसको इस्तेमाल करना होता,
तो मैं इसको बाहर बनाता, तो मैं इसको बोल ही नहीं रहा बाहर बनाता, लेकिन चूंकि अब मुझे अंदर ही इसको इस्तेमाल करना है तो मैं इसको अंदर ही बना रहा हूं और बाहर इसका यूज नहीं है इस वजह से, ठीक है। वरना अगर इसको मैं बाहर बनाऊं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस जब जावास्क्रिप्ट लाइन ऑफ कोड पढ़ रहा होगा तो बाहर अगर मैंने इसको कॉल नहीं भी किया हुआ तब भी इस फंक्शन को पढ़ रहा होगा, ऐसा ही है ना। जब शुरू में ये पढ़ रहा होगा कोड, लाइन ऑफ कोड पढ़ रहा होगा, तो ये एक्स्ट्रा फंक्शन एक पढ़ रहा होगा जिसमें ये कह लें कि जावास्क्रिप्ट की हल्की फुल्की एग्जीक्यूशन थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इतना कोई फर्क नहीं आता। लेकिन असल सीन ये है कि अगर आपने एक फंक्शन उस फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल करना है, बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं करना, तो आप उसको बनाओ भी अंदर, बनाओ भी बोल ही नहीं रहे अंदर, इससे आउटपुट वगैरह पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ इतना है कि भाई लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन जो जावास्क्रिप्ट चल रहा है वो अगर आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ, यानी इस पूरे फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ, तो इस फंक्शन को भी रीड नहीं कर रहा होगा, ऐसा ही है। और अगर ये फंक्शन बाहर रखा हुआ होता, आपने इस फंक्शन को तो कॉल नहीं किया लेकिन इस फंक्शन को वो पढ़ते जा रहा है, तो बस जावास्क्रिप्ट के पढ़ने में इजाफा हो जाएगा, उसको ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, और जब हमें भी ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है तो हम भी बोलते हैं भाई बस कर यार इतना नहीं पढ़ा, सही है ना, बोल ही नहीं रहे। आप ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे थे ना, देखा समझ गया आपका भाई, नहीं दिल की हाल नहीं जबान का हाल, सही है, डन हो गया। अच्छा जी, और क्या भाई इसके अंदर, हाँ ये सबसे अहम चीज है भाई, लोकल वर्सेस, बोल ही नहीं रहे, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। हाँ भाई कौन समझा सकता है? नहीं नहीं होता है, और कौन समझा सकता है? यहां आके समझाना पड़ेगा, समझाओगे है? डरना क्या है, जब हाथ उठा लिए तो आ जाओ, इंग्लिश में हम कितना समझा रहे हैं, चलो जल्दी। हाँ तो क्या हुआ, तो क्या इंग्लिश ही बोली, मैंने कौन सा बलूची में बोला भाई। हाँ भाई ये चीज हड़िया चलो चलो, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में ये फर्क होता है, जैसे कि इस वाले में है, इस वाले में ये फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया गया वार द सम, अगर मैं अपने पूरे कोड में कहीं भी सम को कॉल करता हूँ द सम को, तो वो वैल्यू वहां से उठा के ले लेगा। अगर यही सम को मैं अगर फंक्शन के अंदर करता हूँ और इस सम को फंक्शन के बाहर में ही कॉल करता हूँ तो ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन के अंदर तक के लिए है, इसको लोकल कहते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया गया इस वेरिएबल को, और ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, इससे बाहर इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ऊपर वाला चूंकि पूरे कोड में चलेगा, जहां पे इसको कॉल किया जाएगा, जहां पे इसके लिए काम कोई काम दिया गया वो अपना काम करेगा। खत्म, चलो समझ में आ गया ना इसका, तालियां बजाएं, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। क्या हो गया, तुम तालियां क्यों बजाई, फिर अगले की हौसला अफजाई के लिए बोला, ये बोलो ना है। अच्छा उठा रहा है, मतलब सही भाई, सीन इतना सा है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का फर्क ये है, लोकल बोलते हैं घर वाला और ग्लोबल बोलते हैं बाहर वाला, ठीक है ना। आप लोगों का मामला किससे चल रहा है, लोकल से ग्लोबल से है? लोकल से चल रहा है, घर वाले बाहर वाला से चल रहा है, सोच लो घर वाला और बाहर वाला, वाला से चल रहा है तो पूछा किसका, लोकल से किसका चल रहा है, ग्लोबल से, आपने बोला मेरा ग्लोबल से, इसका लोकल से, तो देख लो ग्लोबल वाला और लोकल वाला, देखा मैं यही निकलवाना चाह रहा था, कौन है ऐसा, निकालो उसको उससे लगे। चलो भाई सीन ये, सीन वाह खुद ही बना दिया फंक्शन, फंक्शन का नाम है चेक करो, क्या करो, क्या चेक करो ये नहीं पता, और यहां पर कोई ना कोई आर्गुमेंट को छोड़ो, मैं यहां पर एक वेरिएबल बना रहा हूं, क्या वेरिएबल बना रहा हूं, वार टेक्स इक्वल्स टू, हेलो वर्ल्ड, हर चीज चेक थोड़ी होती, वार टेक्स इक्वल्स टू, सवाल ये यहां कंसोल किया टेक्स क्या आएगा,
क्या आएगा? बोल ही नहीं रहा। अब एक कंसोल यहाँ क्या हुआ है, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट, फिर मैंने कॉल किया चेक करो, फिर मैंने अगेन कॉल किया कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट, बताओ क्या होगा? खाली एक आएगा। इस वाले कंसोल को चलो हटा, इसमें तो पता है हेलो वर्ल्ड आएगा ही आएगा ना, बोलो ना, ये वाली हटा दो। अब ये बताओ ये कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट किया, फिर मैंने कहा चेक करो, फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट किया, बताओ क्या होगा? सब बोली नहीं रहे, पीछे वाले खामोश है। इसमें क्या आएगा पहले वाले में? एरर या अनडिफाइंड? एरर या अनडिफाइंड? क्यों अनडिफाइंड? भाई जान वेरिएबल बनाए फंक्शन के अंदर, किसके अंदर वाला? बाहर नहीं बनाए, लोकल, इसे हम लोकल कहते हैं, भी समझते हैं इसको। लेकिन सवाल ये कि अभी कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट में क्या आएगा? पहले वाले में अनडिफाइंड। अच्छा, और चेक करो जब कॉल होगा फिर कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट में क्या आएगा? हेलो वर्ड आ जाएगा। कितने लोग बोलते हैं आ जाएगा, और कितने लोग बोलते नहीं आएगा? बाकी सब लोगों का तो उसमें शुमार है। हाँ भाई, भाई जाने का दिल कर रहा तो चलिए, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला की क्लास के बराबर? हाँ, अब्दुल्ला की क्लास के बराबर वाले। अब्दुल्ला की क्लास के जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लैब में चले। अच्छा, लैब में चले हैं। वहाँ क्लास चल रही क्या? आ जाओ भाई, आगे आगे। हाँ भाई, अब बताओ क्या सीन है दोनों में, क्या इसमें अनडिफाइंड है उसमें हेलो वर्ल्ड? मैं चेंज हो गई हूँ। हाँ भाई, क्या दोनों में हेलो वर्ल्ड? भाई सवाल ये है, पहले कंसोल में क्या आएगा, दूसरे में कुछ भी नहीं, क्या मतलब? बताओ भाई, सब बोलो। इसमें हेलो वर्ल्ड भाई, दोनों में अनडिफाइंड वाले कितने लोग? दो तीन लोग। डर क्यों जाते हो हाथ, अगर कोई नहीं उठा रहा तो डरना क्या भाई, मेरा फैसला, मेरा फैसला है, या तो सही होगा गलत होगा, डरो नहीं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये जब करेंगे ना तो गलती करने का भी कॉन्फिडेंस आएगा। सही। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि पहले में अनडिफाइंड और दूसरे में हेलो वर्ल्ड? पहले में अनडिफाइंड, दूसरे में हेलो वर्ल्ड। चलो अब देख लो, क्या हुआ भाई? एरर दे दिया। क्या दे दिया? एरर दे दिया। सवाल ये, एरर क्यों आया भाई? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर बना हुआ भाई? अच्छा, फंक्शन के अंदर जब बना हुआ है तो होस्टिंग वाला काम भी नहीं हो पाया। होस्टिंग ने ये तो समझ लिया होगा फंक्शन क्या है, यानी वो जो पहला फेस था ड्रोन वाला, सही है ना? लेकिन क्या हुआ कि चूंकि फंक्शन के अंदर बना है तो उसको ये टेक्स्ट का वेरिएबल बाहर मिला ही नहीं किसी सूरत, समझो। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लोकल वेरिएबल। क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है? अगर फंक्शन के बाहर में वेरिएबल बनाओ, किसके बाहर भाई? आवाज ही नहीं आ रही यार। फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाओ तो वो वेरिएबल कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का मतलब सबको मिलेगा। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है कि उसी फंक्शन के अंदर ही मिलता है, उसी फंक्शन के, बोल ही नहीं रहा। अब इस फंक्शन के अंदर चेक करो तो आपको कंसोल मिल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग। वाओ, क्या मिला? वाओ, अब ये पहले कंसोल को हटाया ताकि एरर से हम बच जाए, और चेक करो डायरेक्ट चले तो ये कंसोल। अब आओ, क्या लिख रहा हूं, टेक्स्ट लिखना चाहिए ऐसे ही तो टेक्स्ट की वैल्यू आ जाए हमारे पास। ये लिख देता हूं इनसाइड टेक्स्ट, क्या लिखूं? इनसाइड टेक्स्ट, ठीक है। और ये है, अच्छा, आप सवाल ये क्या आएगा?
इनसाइड टेक्स्ट आ गया, बोल ही नहीं रहा, लेकिन आउटसाइड पे क्या दिया, एरर दे दिया। क्या दे दिया भाई? क्यों हुआ ये? क्योंकि आपने लोकल वेरिएबल यानी अंदर का जो वेरिएबल है उसको बाहर इस्तेमाल करने की कोशिश की। समझ में आ रही? तो लोकल जब एक वेरिएबल अंदर जाके वार्ड से बना है तो ये बाहर आपको नहीं मिलेगा। आप एक और एग्जांपल देख लो, अगर यही वेरिएबल मैंने ऐसे बनाया होगा वार्ड टेक्स्ट और अंदर जाके फिर मैंने टेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू वर्ड किया होगा, आप बताओ अब क्या होगा? अब चलेगा, नहीं नहीं अनडिफाइंड एरर भी नहीं आएगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ऊपर वाला कंसोल दोबारा लगा लेते हैं, ठीक है? आउटसाइड टेक्स्ट वन, आउटसाइड टेक्स्ट टू, ठीक है? बोल ही नहीं रहे, अब क्या आएगा बताओ? सबसे पहले बताओ अंदर वाले में क्या आएगा? अंदर वाले में आ जाएगा हेलो वर्ड आ जाएगा। बाहर वाले में जब कॉल नहीं हुआ उससे पहले क्या आएगा? अच्छा जब कॉल हो गया उसके बाद अनडिफाइंड, यहाँ पर भी अनडिफाइंड, पक्की बात है? कुछ भी नहीं लिखा, अनडिफाइंड है इस वक्त तो, ये अनडिफाइंड ही है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों में दोनों में अनडिफाइंड आएगा? यस सर। क्या बोल दिया स्वाति तूने? एक में क्यों आएगा? काफी दिन हो गए। और दूसरे वाले में? तो ये क्या बात कर दी, वो आ तो पहले भी रहा है लेकिन अनडिफाइंड आ रहा है, आएगा क्या? अगर अनडिफाइंड नहीं आएगा तो क्या आएगा? ऐसा ही है, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, एरर आ जाएगा। वाह, क्यों आएगा नीचे वाले में एरर? भाई जब आपने टेक्स्ट को सिर्फ नाम लिख दिया, तो अब जब नाम लिखा तो अंदर वैल्यू तो कुछ ना कुछ है ना, चाहे वो अनडिफाइंड ही है, तो डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है ना, तो अनडिफाइंड आएगा ना, एरर तो नहीं आएगा किसी भी केस में। एरर उस वक्त आता जब आपने बनाया नहीं, जैसे पहले आता था। हाँ भाई कर दूं? क्या हुआ? पहले वाले में तो अनडिफाइंड आया लेकिन दूसरे वाले में क्या आ गया? वैल्यू आ गई हेलो वर्ल्ड। क्यों? सवाल है क्यों भाईजान? अब सुनो, मैंने टेक्स्ट को ग्लोबल वेरिएबल बना दिया लेकिन उस वक्त इसमें अनडिफाइंड वैल्यू है, ऐसा ही है? ये फंक्शन मैंने बना के रखा हुआ है, जब मैंने टेक्स्ट को पहली बार कंसोल किया तो जाहिर है अनडिफाइंड था क्योंकि फंक्शन अभी तक चला नहीं था, और जैसे ही फंक्शन चला, चेक करो मैंने चलाया तो उसने उसी ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट किया ना यार, या मैंने नया वेरिएबल तो नहीं बनाया ना, बोल ही नहीं रहा। इससे क्या किया? ग्लोबल वेरिएबल को क्या किया भाई? अबे बोल दो यार, उसी ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट किया, बाहर वाले वेरिएबल को अपडेट किया, अंदर उसी वेरिएबल को मैंने कंसोल किया, और जब ये इस चेक करो से बाहर निकला तो वो अपडेट हो चुका था, तो ये दूसरा कंसोल आया अपडेटेड टेक्स्ट का। बात समझ में आई भाई? बोल ही नहीं रहा। तो लोकल वेरिएबल वो है जो फंक्शन के अंदर बना, बाहर नहीं बना, ठीक है? लोकल वो है जो बाहर नहीं बना, फंक्शन के अंदर बना, उसका आउटपुट आपको फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। और एक ऐसा वेरिएबल जो बाहर बना है और फंक्शन के अंदर अपडेट हुआ, बाहर बनाया या तो बाहर ही आपने उसको वैल्यू दी हुई या फंक्शन के अंदर आपने उसी वेरिएबल को अपडेट किया तो वो अपडेट हो जाएगा, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या भाई? अभी मुझे इस फंक्शन में मिलेगा, आगे जितने फंक्शन बनाऊंगा उसमें भी मिल जाएगा क्योंकि बाहर बना हुआ है। आवाज ही नहीं आ रही, कहां बना हुआ भाई? बाहर बना हुआ है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल मुझे हर जगह मिल जाता है। लोकल जो है वो जिस फंक्शन में बनाया सिर्फ उसी में मिलता है, ये फर्क है बस। हाँ, ग्लोबल को हर जगह एक्सेस है और लोकल को जो है उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस है, तो भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि बाहर उसी नाम का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? लेट्स से इसको भी मैं नल कर रहा हूं क्योंकि पहली वाली वैल्यू स्टोर है। सही बोल रहा है, फर्क हुआ यानी अंदर पे इसने वार्ड के जरिए अगर हमने किया तो अंदर जो है इससे अगेन एक लोकल वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू इसी के अंदर रही। देखो भाई वार्ड मैंने क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट इक्वल्स टू, बोल ही नहीं वार्ड, टेक्स्ट इक्वल्स टू नल, सही? अब जब ये इनिशियली कॉल हुआ तो नल आया, ऐसा ही? और चेक करो जब मैंने कॉल किया तो अब मैंने वार्ड से वो वेरिएबल बनाया, अब मैंने वो नहीं बोला कि उसी वेरिएबल को अपडेट कर दे, यानी टेक्स्ट इक्वल टू डायरेक्ट नहीं दिया, बल्कि जिस तरह नया वेरिएबल बनाते हैं वार्ड टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड,
तो अब उसके नजदीक ये इसी का एक लोकल वेरिएबल हो गया जो मैं भी भूल चुका था। अच्छा हमने ट्राई कर लिया, उस बंदे ने ध्यान दिया। तो अब ये वार्ड से जब बनाया तो ये लोकल वेरिएबल समझ के इसको यहीं तक कंसोल कर रहा है। इस ओरिजिनल टेक्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं आया, टेक्स्ट में इफेक्ट नहीं आया। तो देखो आउटसाइड टेक्स्ट में भी नल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? तो ये भी कॉन्सेप्ट है। ये तीनों बातें लिख लो तो याद रहेंगी लोकल वर्सेस ग्लोबल के अंदर। क्या बात है? लोकल वेरिएबल भाई सिंपल ये कि अगर आपने फंक्शन के अंदर वेरिएबल वार्ड से बनाया तो उस वेरिएबल की वैल्यू उस फंक्शन के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आ सकती। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि फंक्शन के अंदर अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, फंक्शन के अंदर अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, फंक्शन के अंदर अगर आपने एक वेरिएबल बनाया तो उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर ही मिल सकती है। और अगर आपने वेरिएबल, पहले ये बात लिख लो लोकल वेरिएबल की, ठीक है? अबे भाई कितनी बार बोलूं, अब एक बार सब लिख लो भाई। फंक्शन के अंदर अगर आपने वेरिएबल बनाए हैं, इफ यू हैव क्रिएटेड एन वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, सबर कर, क्यों मैं नहीं बोलूं भाई, मेरे को पाबंदी लगाएगा तू इंग्लिश, वो अगला बंदा इतनी बोल गया उसकी कोई नहीं है। इफ यू आर, नहीं तो वो बस बेसिकली ये कह रहा था, मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। हाँ, वो कह रहा था कि अभी इंसान के बच्चे बन के पढ़ लो, आगे तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, गधे घोड़ों की तरह तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आराम, मतलब उसके आसान लफ्जों में बदमाशी उर्दू ये थी, सही। इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा था। पहले तो ये कहा, मैंने आपका टाइम थोड़ा सा ले रहा हूँ, आपकी क्लास का टाइम है, सॉरी आई हैव इंटरप्टेड यू, उसकी समझ में। ये जो था ये तो आए थे इनसे पहले, तो सर गजार थे ना। अच्छा वो भाई सीटीओ है यहाँ के, सीओओ है सिलानी के। बहुत मेहनती आदमी भाई, माशाल्लाह। हाँ भाई, लोकल वेरिएबल भाई इलाके का वेरिएबल है जो उस इलाके का बदमाश होता है और इलाके में ही बदमाशी कर सकता है, बाहर उसकी बदमाशी चलती नहीं। आसान लोग बता दिया ना यार, ये इलाके का बदमाश है, ये बाहर नहीं मिलेगा, बाहर चूहा बन के घूम रहा होगा, दिखेगा ही नहीं। हाँ सही है ना, यही है ना भाई, और क्या है? और ग्लोबल बदमाश कौन है भाई? है ग्लोबल बदमाश कौन है जो पूरी दुनिया में बदमाशी कर रहा है, जहां पर भी बुलाओ आ जाएगा। नहीं नहीं, वो लोकल है जिसका हम नाम ले रहे हैं, वो लोकल है, लंदन में बैठा भी लोकल है, यूट्यूब पे जाएगी। ए, मैं वो उसकी बात कर रहा था, वो अपना वो कौन है वो जो वो नहीं बना था यार, प्रेसिडेंट बना था करके जो बात करता था, थम नहीं, क्या नाम उसका, डोनाल्ड ट्रम्प, मैं उसकी बात कर रहा था, लंदन में बैठा बदमाशी करते, वो लोकल है वहां का। आप समझ रहे थे यूट्यूब वाले, आप आपका गुमान जिस सब किया वो मेरा मकसद नहीं था। आवाज नहीं आ रही क्या? तो वो नीचे वाला अपडेट कर रहा था ना, अभी दिखा देता हूँ दोबारा। सही भाई, तो ये हो गया डन भाई। मैंने सिंपली इतना बोला, अगर लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल कि जब फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल वार के साथ बनाया जाए, ठीक है, और तो वो फंक्शन के अंदर ही उसकी वैल्यू मिलेगी, बाहर वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। सही, ये सिंपल सा रूल है, चाहे आप इसको ग्लोबल के साथ बनाओ या ग्लोबल के बगैर बनाओ। और अगर ग्लोबल फंक्शन आपने बनाया, यानी फंक्शन के बाहर कोई फंक्शन बनाया उसका, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल बनाया, फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बनाया, सही, तो वो वेरिएबल आपको हर फंक्शन के अंदर मिल जाएगा। और किसी फंक्शन के अंदर आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हो वार के बगैर, तो वो वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। अबे तुम लोग डिक्टेशन क्यों कर रहे हो, समझ लो, अपने अल्फाज में लिखो ना यार, मुंह से वो निकल ली मेरे, मतलब सुनोगे भाई, डिक्टेशन नहीं करो बच्चों की तरह, मैं समझा रहा हूँ, समझो अपने अल्फाज में लिखो,
आप समझ लो क्या है ग्लोबल वेरिएबल, क्या है बाहर मैंने वेरिएबल बनाया, ये देखो नाबीना शख्सियत, ये देखो क्या है बाहर, अबे बोलो यार बाहर वेरिएबल बनाया। अब ये वेरिएबल मैं अंदर अगर चाहूं तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि अगर मैं इसको हटाऊं तो ये कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट में मुझे वेरिएबल अंदर मिल रहा होगा, यानी इसकी जो भी वैल्यू नल है तो नल मिल रहा होगा अंदर, ऐसा ही है। इस तरह जिस फंक्शन में चाहूं ये मुझे मिल रहा होगा, प्लस मैं इसकी वैल्यू इसी फंक्शन में अपडेट भी कर सकता हूं, समझे। अब ये जब ये फंक्शन चल जाएगा चेक करो के बाद जो टेक्स्ट आएगा उसमें हेलो लिखा हुआ होगा, ठीक है। ग्लोबल की वैल्यू आप किसी इनसाइड फंक्शन के अंदर भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन बगैर वार के, ठीक है। और अगर वार के साथ आपने लिखा तो फिर क्या होगा, ये एक लोकल वेरिएबल बन जाएगा अगेन, तो ये बाहर की वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा होगा, ये इसी के अंदर चल रहा होगा, ऐसा ही है। डन। अभी देखा ना हमने, ये देखो अभी वही सीन हो रहा है, ऐसे ही जब चेक करो कॉल हो रहा है, तो हालांकि चेक करो मैं टेक्स्ट को मैं हेलो कर रहा हूं, बट बाहर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, नल ही आ रहा है, सही। अबे भाई बोल दो यार, डन हो गया। तो ये हमने फंक्शंस पढ़ लिए, फंक्शन के अंदर ये चार चीजें ही अहम थी, कौन कौन सी थी आप बोलोगे यार स्किप कर दी, बेसिक फंक्शन कैसे बनता है, इसके बाद फंक्शन के अंदर डेटा कैसे पास होता है यानी पैरामीटर्स वगैरह, सही जो हम पढ़ चुके, और इसके बाद पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम यानी रिटर्न कैसे होगा ये हम देख चुके, ऐसे ही भाई बोल ही नहीं रहे यार, एक क्रिकेट गेम में हमने सबको हमें सब कुछ सिखा दिया फंक्शन के बारे में, और लोकल और ग्लोबल में क्या फर्क है, बोलो ना यार। आप जो भी काम करो फंक्शन के अंदर ही करना है, फंक्शन से हटके नहीं करना, ठीक है। अच्छा स्विच केस हम पढ़ चुके, बोल ही नहीं रहे, तो ये आगे की बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके, स्विच भी पढ़ लिया, और क्या आगे व्हाइल लूप्स ये बाद में पढ़ेंगे, अब चलते पहले डेट पर, किस पर चले भाई, डेट पर चले हैं, बहुत अच्छे डेट एंड टाइम फाइंड अ करेक्टर लोकेशन तो हो गया ना, क्या भाई डेट, ये यार ये तो बच्चों वाली चीज आपने पढ़ ली ना, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, शुरू में क्या लगा दो प्लस लगा दो, एक तरीका ये है और एक और भी तरीका है। अच्छा देखो इससे शुरू में वो वाली चीजें बताई हुई जो हम बचपन में पढ़ चुके थे कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और नंबर में वैल्यू आ जाएगी, ये बोल रहे ये भी एक तरीके का है इसको नंबर में कन्वर्ट करने, हम बोलते हैं जाओ बच्चा वाली बातें नहीं कर, हम बचपन पढ़ चुके। अच्छा एक और तरीका है पार्ट सेट, क्या है भाई, यानी ये स्ट्रिंग है बोल ही नहीं रहे, अगर इसके पहले प्लस लगा दो तो नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस के बजाय एक और मेथड है पार्सेंट, क्या है ये भी एक मेथड है, हाँ एक और नंबर भी मेथड है, नंबर के अंदर भी इसको बंद कर लो स्ट्रिंग को तो भी नंबर में कन्वर्ट, यानी ये तीनों मेथड्स है कोई भी लगा लो चल जाता है। प्लस का ये कि रीडेबिलिटी नहीं है इसमें, यानी कोई नया बंदा होगा ना उसको समझ नहीं आएगा यानी प्लस क्या कर रहा है, हमने तो पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई नया बंदा अगर पार्सेंट या नंबर को देखेगा तो शायद उसको अंदाजा हो जाए कि हाँ यार ये इंटीजर या नंबर में कन्वर्शन हो रही है, ऐसा ही तो रीडेबिलिटी के हिसाब से ये अच्छे हैं, बाकी शॉर्टकट के हिसाब से ये अच्छा है, ठीक है। यूजुअली इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं कोई मसला नहीं होता, नॉर्मली प्लस लगा लेते कोई मसला नहीं होता, हम लोग भी प्लस लगाते कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यूजुअली एक्सपीरियंस डेवलपर्स ही आपके साथ काम कर रहे होते हैं, अक्सर को पता होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा एक और है पार्स फ्लोट, क्या है भाई फ्लोट, फ्लोट क्या होता है पता है, नंबर जस्ट है, हाँ ये देखो ये देखो पार्स सेट और पार्स नंबर में कुछ फर्क है, क्या फर्क है, प्लस भी सही कर रहा है पार्ट सेंट से मसला कर रहा है, पार्ट सेंट इंटीजर और फ्लोट जो है ना दो डिफरेंट वैल्यूज होती है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप जाओ ना हमारे पास तो एक नंबर डेटा टाइप है ना, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटीजर और फ्लोट अलग अलग डेटा टाइप है, शायद आपने देखा हो, तो यहां पर ये हम कर रहे हैं कि एक ये फ्लोट कैसे कहते हैं डेसिमल वैल्यू को,
किसको कहते हैं टू पॉइंट समथिंग, तो ये फ्लोट हो गई। और इंटीजर क्या होता है, राउंड वैल्यू को कहते हैं, सही। अब हम यहाँ पर इसको परसेंट अगर लगा रहे ना, तो इसको क्या कर रहा है भाई, डेसिमल्स को हटा के सिर्फ टू को रख रहा है। बात समझ में आ रही, क्या कर रहा है, डेसिमल को हटा के। अब हमें यहाँ डेसिमल हटाना मकसद नहीं था, बल्कि क्या मकसद था, नहीं स्ट्रिंग से नंबर कन्वर्ट करना। अबे डेसिमल हटाना मकसद नहीं था, पॉइंट हटाना था, ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। तो डेसिमल और पॉइंट में क्या फर्क होगा, अच्छा स्ट्रिंग से पॉइंट हटाना, नहीं वो नहीं करना। हमें यहाँ करना है भाई, इसको एज इट इज नंबर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये नंबर में कन्वर्ट करने के साथ साथ इसके पॉइंट्स भी हटा रहा है, ऐसे ही पार्सेंट ये कर रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं यार इसके पॉइंट्स भी रहे और नंबर में भी कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए हम पार्स फ्लोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पार्स फ्लोट 2.333। तो देखो इसने नंबर में भी कन्वर्ट कर दिया और पॉइंट्स के बाद किसको भी रखा भाई, बोली दे इंटीजर को भी। ये वो बात है कि जो हम सिर्फ एक प्लस से हल कर सकते हैं, सही ना। देखो प्लस से अगर ये काम किया था तो उसने कोई बिगाड़ा नहीं था, लेकिन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। वो पूछ ले भाई पार्ट फ्लोट क्या करता है, पार्ट सेंट क्या करता है, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए, तो भी कोई मसला नहीं, सही। अबे राउंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पॉइंट को निकाल रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, राउंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ पॉइंट को निकाल रहा है। थ्री पॉइंट समथिंग होगा तो थ्री लगेगा हमेशा, राउंड ऑन नहीं कर रहा, सही है, बोल ही नहीं रहा। अच्छा नंबर से तो स्ट्रिंग में आपने कन्वर्ट कर लिया, अब स्ट्रिंग से नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, ये स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, नहीं अभी हमने क्या किया, अच्छा अभी हमने स्ट्रिंग से नंबर ही किया, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। 32 के बाकी क्या लिखो, डॉट टू स्ट्रिंग, क्या बोल दिया भाई, ऐसे बन दे दिया। वेरिएबल में 32 लिखते हैं तो उससे क्या होगा, टी डॉट टू स्ट्रिंग, ये सही एक तरीके का नहीं है, टी डॉट बोल ही नहीं रहा, टी डॉट इतनी मुश्किल पे क्यों गए, जब हम वेरिएबल बना ही रहे थे तो इसको ही बना लेते, अजीब बंदे। और इससे क्या तरीके करवाता है, स्ट्रिंग्स टू नंबर, नंबर टू स्ट्रिंग, नंबर तो हमने कर लिया, टू स्ट्रिंग ही बताया, अच्छा डॉट टू स्ट्रिंग ही बताया, और कुछ नहीं बताया, और क्या तरीके करवाता है, या तो डायरेक्ट नंबर का, तो या फिर इसको जो है आपको अल्लाह भला करे वो स्ट्रिंग से कॉन्कैट कर दो तो भी बन जाएगा, टी प्लस खाली स्ट्रिंग, कैसा चीज है, नहीं दिया था घटिया तरीका था ये। आप सुन लो, अच्छा एक और सीन, ये नंबर है एक बगैरत सा 22 32 पॉइंट, लेट से हम वो नहीं निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं भाई, अगर हमने निकाली कि 77 नंबर है 100 में से, तो टी में क्या वैल्यू आ रही है, नहीं यार एक बिगड़ती वाली वैल्यू नहीं आती, वो लंबी वाली जो आती है किससे आती, 76.2, ये तो दो दो वैल्यू से दे रहा है, किसका जीरो बढ़ाते, नहीं वो जो खबीस वाली वैल्यू आती है, तुम लोग समझ नहीं रहे, अच्छा 100 से कैसे आएगी यार, कैसे लोग तुम लोग, लेट 720 ना, ये 129 मार्क्स का पेपर था, 30 मार्क्स का आएगी, हाँ 30 मार्क्स का, 130 मार्क्स का पेपर था और बंदे क्या है 75, कितने है, आप जाहिर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये परसेंटेज निकल आएगी, ऐसा ही ना। अब परसेंटेज कितनी आ रही, 57.692306076, घर वालों को बताया, घर वाले जवान वाले के बहुत ज्यादा, नहीं क्या बोल रहा है भाई, सही है ना, एक तो इतनी घटिया है ऊपर से इतनी लंबी कर रहा है, ठीक है वार्ड रिजल्ट सुन तो लो, रिजल्ट आया, ये रिजल्ट बताया घर वालों को, ये परसेंटेज आई, ठीक है घर वाले बोले भाई इंसान का बच्चा बन, तभी तो फेल हुआ इतनी लंबी लंबी पढ़ रहा होता। तो अब इसके हवाले से क्या कर सकते हैं, कि मैं चाह रहा हूँ इसके जो डेसिमल्स है ना वो 2 या 3 मैक्सिमम आए, बताया मैंने, नहीं बताया, इसके लिए है वेरिएबल के आगे लगाओ डॉट टू फिक्स्ड, क्या लगाओ भाई, और इसके आगे आप लिख दो डिजिट्स कितने चाहिए आपको डेसिमल के बाद, 2 3, देखो 2 के केस में क्या हो रहा है सिर्फ 2 डेसिमल्स आ रहे हैं, 3 के केस में
बोल ही नहीं रहा है। इस तरह जितने आप चाहो उसको लिमिट दे सकते हो डेसिमल्स के, लेकिन एक काम ये अलग कर रहा है, क्या कर रहा है पता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? तो ये भी याद रखना कि ये नंबर से किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में, टू फिक्स। क्यों करता है ये मुझे भी नहीं पता, उसूलन तो नहीं करना चाहिए था उसको जब नंबर से हम खेल रहे थे, लेकिन इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब जावास्क्रिप्ट ने रखा हुआ है इसको ऐसे। ठीक है भाई, बात समझे कि नहीं? क्या कह रहे बोलो, हो गया भाई, डेट एंड टाइम पे आ जाओ, जल्दी ली जल्दी ली, हम पढ़ते जाते हैं, चीजें निकालते हैं बच्चों वाली। हाँ भाई, अब आते हैं डेट पर, किस पर भाई? अच्छा, जावास्क्रिप्ट डेट से बहुत अच्छे तरीके से खेलता है, उसको आपकी करंट डेट वगैरह टाइम वगैरह वो आपके लैपटॉप से निकाल लेता है। जैसा मैं लिखा, हाँ देखो, जैसे मैं लिखता हूँ न्यू डेट, क्या लिख रहा हूँ? न्यू और डेट, ठीक है, तो देखो क्या दे रहा है, आज की डेट और टाइम, बोल ही नहीं रहा, आज की डेट और टाइम। अच्छा, ये हमें ज्यादातर कहाँ यूजेज है डेट का पता है? किधर? असाइनमेंट में, क्या होता है प्रोजेक्ट्स में, कहाँ का यूज होता है ज्यादातर? आपका दिमाग क्या कहता है, कहाँ यूज होता है? वेदर में, क्या करता है फॉर्म सबमिशन में, कहाँ यूज है? तो इससे क्या कर लोगे? बहुत सारी यूज हो सकते हैं, जैसे कोई भी डेटा एंटर हो रहा है, कोई भी डेटा एंटर हो रहा है, अरे सुन लो बुच्चू, कोई भी डेटा एंटर हो रहा है तो आप उसके साथ साथ उसका टाइम भी भिजवा रहे हो। क्या भिजवा रहे हो भाई? जैसा कि फेसबुक में आपके पास जो पोस्टें आती हैं, तो वो किस सॉर्ट से आ रही होती है? ज्यादातर टाइम से आ रही होती, न्यूएस्ट वन पहले आ रही होती, फिर ऐसा ऐसा ओल्डेस्ट आती है, ऐसा ही है ना, बोल ही नहीं रहे। तो अब वो कैसे सॉर्ट कर रहा है? वो टाइम से सॉर्ट कर रहा है कि जब ये डेटा पोस्ट हुआ है तो सबसे लेटेस्ट वाला डेटा उसको सबसे ऊपर रखा है, और जब से पुराना, सबसे पुराना वाला उसको पीछे ले जा रहा है। समझ में आ रही? तो वहां वो जब भी डेटा पोस्ट हो रहा है तो उसके साथ डेट और टाइम भी पोस्ट हो रही है। समझ में आ रही? इस तरह एक और सीन भी हो सकता है, मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर थीमिंग लगाऊं। क्या लगाऊं? थीमिंग। उसके अंदर थीमिंग इस तरह से करूं कि जब दिन में मेरा बंदा, जो भी यूजर है, वो वेबसाइट खोलेगा तो व्हाइट थीम पे आएगी, अब जब रात में खोलेगा तो ब्लैक थीम पे आएगी। ये फीचर दे सकता हूँ। कैसा दिया? वो कैसे जज करूंगा मैं? डेट से और टाइम से। मैं देखूंगा टाइम अगर 6 बजे से पहले का है, इफ टाइम इज 6 बजे से पहले का, अप्लाई करते व्हाइट थीम, और शाम की 6 बजे के बाद का तो अप्लाई करते ब्लैक थीम। कैलेंडर्स वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है, ऊपर हेडर में डेट दिखाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, आज क्या डेट वैल्यू है, डेट टाइम है। बताता हूँ सवाल, क्या बोल रहे हो? एक मिनट, पीछे कोई हाथ उठा रहा था क्या? नहीं उठाया। हाँ भाई बोलो, दोबारा समझो, समझाया क्या अभी? मैंने शुरू ही नहीं किया। न्यू डेट बेसिकली आपको आज की करंट डेट और करंट टाइम, जब मैंने ये न्यू डेट लिखा उस वक्त 12:16 हो रहे थे, अभी 12:18 हो रहे हैं। न्यू लिखना जरूरी है, न्यू लिखना जरूरी है, क्यों जरूरी है ये अभी समझ लो, जरूरी है, आगे बताओ। ये अभी आ गया कॉन्सेप्ट न्यू, ठीक है। हाँ बोलो, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, आगे आ रहा है, फंक्शन के बाद आता है, क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये भी फंक्शन की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट जब पढ़ लेंगे ना उसके बाद आएगा। तो डेट भी बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कौन सा है? बोल ही नहीं रहा, अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल इसकी चीजें देख लो भाई। न्यू डेट क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डेट और टाइम लाकर आपको दे रहा है, डे भी दे रहा है, टाइम जोन भी दे रहा है। किस टाइम जोन की बात हो रही है? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, या बाहर से उनको बोला पानी भी दे रहा है। जीएमटी समझ नहीं आया भाई? जीएमटी स्टैंड फॉर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन विच टाइम होता है, एम क्या है? जीएमटी स्टैंड फॉर ग्रीन विच मीन टाइम, ठीक है। ये बेसिकली 00, जो अगर ये 00 हो ना तो ये ग्रीन विच मीन टाइम, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, जो एक समझो स्टैंडर्ड टाइम 0 पे खड़ा कर दिया। अब उस 0 से कौन कितना आगे कौन कितना पीछे वो पर जज कर सकता है, ठीक है। जैसा कि मेरा एक क्लाइंट है वो जीएमटी प्लस 12 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं खड़ा हूं जीएमटी प्लस 5 पर, तो मुझे डिफरेंस निकालना इजी हो जाएगा।
कि उसके और मेरे टाइम में कितना फर्क है, 5 और 12 में कितना फर्क हुआ, 7 घंटे का। तो मुझे समझ में आ गया कि वो मुझसे 7 घंटे आगे, समझ लो। और मैं जो है ये GMT+5 पे गया, यानी मेरे यहाँ अगर 12 बज रहे तो उसके यहाँ कितने बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे। तो ये इसलिए इजी हो जाता है। तो हर कंट्री का अलग अलग है, ठीक है ना। इंडिया का GMT क्या होगा, हमसे आधा घंटा पीछे है बस। तो इसके मुताबिक क्या होगा, 4.5 होगा या क्या होगा पता नहीं, 4:30 होगा ना इंडिया का। देखिए इंडिया GMT टाइम है 5:30, देखो क्या आ रहा है GMT, ठीक है। तो हमसे आधा घंटा ही आगे, आगे पीछे नहीं, हाँ आगे GMT। हाँ क्यों आगे, क्या मतलब भाई, तुम लोग इसमें भी जलन करोगे, ठीक है। अच्छा आप ये देखो भाई, जल्दी नहीं भाई बोल तो देख लो, वन न्यू डेट सही। अच्छा ये न्यू डेट तो अभी करंट डेट ला रही है, क्या ला रही है भाई। अच्छा इसको मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई और डेट यहाँ पर दिखाए, अपनी हम डेट लिख दें, जैसा कि 10th February 2023। लेकिन ये इस फॉर्मेट से नहीं लगेगा, जैसा कि इसका फॉर्मेट कुछ और होता है, हम अलग अलग फॉर्मेट ट्राई कर लेते हैं। 10th February 2023 देखो इससे आगे क्या लिखा रहा है, बोल ही नहीं रहे। अक्टूबर, मतलब जो मैंने डेट लिखी है 10 तारीख, 10 तारीख है, महीना है, महीना इसका मतलब जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट ये है कि अगर मैं ये लिख रहा हूं पहला डिजिट तो ये पहले मंथ है, फिर स्पेस डाल के डेट है और फिर साल है। अब मैं लिखना चाह रहा हूं या मैं जिस दिन पैदा हुआ था वो दिन क्या था, डेट तो पता होती है, दिन भी तो निकाल सकते हैं। कैसे, मैं लिखूं भाई 6 June 1993 कौन सा दिन आ रहा है, छुट्टी वाला दिन पैदा हुआ आपका भाई, कैसा देखा सही भाई, यस सर क्या बात, तुमको क्या खुशी हुई, सही है। तो ये मैं इसके जरिए भी निकाल सकता हूँ। अच्छा ये तो हो गया, ये देख लिया आपने न्यू डेट क्या है, करंट डेट टाइम निकालेगा, और अगर इसके अंदर कोई डेट मैं लिख रहा हूँ तो उस डेट के हिसाब से मुझे कर देगा। अब सवाल ये, व्हाट डेट इज इक्वल टू, मैंने क्या न्यू डेट, क्या लिखा भाई, न्यू डेट। अब मैं इसके डेट के बहुत सारे मेथड्स हैं, डेट के बोल ही नहीं रहे, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेट्स से सबसे पहला मेथड हमें दिख रहा है गेट डेट, तो डेट डॉट गेट डेट, ये मेथड्स बड़े काम के भाई, डेट डॉट बोल ही नहीं रहे यार। आज जो डे है वो कौन सा है, मंडे। गेट डे आपको क्या रिटर्न कर रहा है, वन, बोल ही नहीं रहे, क्या रिटर्न कर रहा है वन से, क्या हो रहा है मंडे, आज पहला मंडे, कौन सा वीक का पहला डे, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सेकंड डे यूं तो है, लेकिन हम जीरो से अगर स्टार्ट करें तो वन फर्स्ट डे, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के जबान में संडे से दिन स्टार्ट होते हैं और सैटरडे तक दिन जाते हैं, तो संडे जीरो है और सैटरडे 7th है। संडे क्या है भाई, जीरो है, फिर मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो यूं जीरो से लेकर 6 तक की ये वैल्यूज देगा गेट डे, जो भी दिन आ रहा होगा, समझ में आ रही। अब मैं वो अपनी बर्थडे वाली डेट रखू आपके सामने, कहा गया क्या, आगे आगे भाई आगे, मतलब सोलह बाजार पे थोड़ी उतरने आगे आगे 6/6/1993 सही है, बोल ही नहीं रहा ये डेट क्या। अब मैं डेट डॉट गेट डे करूंगा क्या आएगा, संडे क्यों आएगा, जीरो है ना। तो बताओ ना भाई मेरी बर्थडे कौन सा दिन थी, डे थी ना, संडे था ना, संडे का क्या नंबर है, जीरो है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो डे स्टार्ट हो रहे हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। गेट डे बेसिकली वीक का दिन निकाल के ला रहा है कि हफ्ते में कौन सा दिन है। तो हफ्ते में अगर ये जीरो निकाल के ला रहा है इसका मतलब संडे, और 6 निकाल के ला रहा है इसका मतलब क्या, सैटरडे, और इसके दरमियान जो भी नंबर आएंगे वो वाला दिन होगा। अब मैं अगर ये कर लूं भाई, मैं अगर ये कर लूं कि मुझे एक्चुअल डे चाहिए हो, एक्चुअल ये कौन है, एक्चुअल क्या चाहिए, बोल ही नहीं रहे यार, सीरो के बटो एक्चुअल क्या चाहिए,
सीधे हो बैठो, मैं भी हो जाता बस। एक्चुअल क्या जी, अब मैं चाहता हूँ जीरो ना लिखा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब लिखा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोली नहीं, मैं चाह रहा हूँ जीरो के बजाय संडे लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट का कोई ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम उसके नाम निकाल के ले है? क्या किताब मिलेगी? हाँ भाई, यानी इस तरह स्विच केसेस लगाने पड़ेंगे सारे। वाह, मेथड नहीं है भाई, स्ट्रिंग बना के क्यों काम कर रहे हो? मैं आपको आसान तरीका बता दूं, एक एरे बना लो डेज का। नहीं, तुमने स्ट्रिंग बोला, अब बात से नहीं करूं, अब आपके भाई ने बताएंगे, मैं क्रेडिट लूंगा। ठीक है, संडे मंडे ट्यू, मैं उसी शॉर्ट से लिख रहा हूँ, संडे से स्टार्ट हो रहा है ना, वेड थर्ड फ्राई कबाब फ्राई और ठीक है, ये डेज का वेरिएबल बना लिया। अब क्या आ रहा है मेरे पास, डेट आ रही है ना, डेट डॉट गेट डे क्या कर रहा है, नंबर ला रहा है ना, बोल ही नहीं रहे। Yes, इसको आपका भाई डेज के एरे में डाल देता है। कैसा दिया? अब जाहिर है या तो जीरो आएगा या सिक्स तक आएगा, जो भी नंबर आ रहा है तो वो उस इंडेक्स पे जाके खेल के उसका वेरिएबल ले आएगा। कैसा दिया? अब 6 जून के बजाय जो 8 जून को पैदा हुआ, नहीं 6/8/2023 सही है, उसका दिन क्या निकलेगा? थर्सडे। क्या निकल रहा है भाई? अरे थर्सडे कैसे हो गया? मैं जब 6 तारीख को पैदा हुआ वो संडे था, तो ये 2 दिन बाद पैदा होगी, थर्सडे कैसे निकल? तभी तो हम कहें कि 2 दिन मतलब किस्तों में पैदा तो नहीं हुआ, ट्यूसडे का स्टार्ट हुआ थर्सडे को पूरा है। चलो मार ले नजर। हाँ भाई, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये जावास्क्रिप्ट आपको कुछ पूछ रहा है तो मतलब वो चाहे पूछेगा तो हम लेंगे ना, पहले ही हम बोलते चाहे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट में बताया था ना गेट डे के अंदर कुछ आप डाल सकते हो और उससे आपको ये आउटपुट मिलेगा तो होता, वरना इससे कुछ ऐसा बताया नहीं ना हो सकता। सही है भाई? बोली नहीं रहा, गेट डे हो गया इसके बाद। अच्छा बुक में हुआ हुआ था, ये हुआ हुआ है भाई बुक में, देखो वही सीन हुआ हुआ है, लेकिन आपके भाई ने बुक से नहीं देखा, आपके भाई ने खुद ही किया देखा है, देख रहा भाई भाई की स्किल में शक कर रहा है बंदा। अच्छा भाई गेट डे हो गया, डे ऑफ वीक ला रहा है, इसी तरह गेट मंथ है क्या भाई? अभी इसके अलग अलग मेथड है, ठीक है, यानी वेरिएबल पे आपने न्यू डेट लिखा हुआ है और अब आप डेट डॉट करके उसके मेथड्स यूज कर रहे हो, जैसे गेट डे यूज किया, अगला मेथड क्या? गेट मंथ। मंथ क्या करता है भाई? महीना। कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? पांचवा महीना चल रहा है आज, अभी पांचवा महीना चल रहा है। अबे पांचवा महीना कौन सा चल रहा है भाई? मेरी बर्थडे का पांचवा तो है नहीं, छठा महीना, वो जीरो से स्टार्ट करता है। ये क्या बात कर दी, डेट क्या थी भाई? जून है। सही बोल रहा है, डेट कहां से स्टार्ट करता है भाई? मंथ कहां से स्टार्ट करता है? जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। लेट से अगर हम लिखते हैं यहाँ पर पहला महीना, ठीक है 8 तारीख पहला महीना, तो अब गेट मंथ में क्या आ रहा है? जीरो। बोल ही नहीं रहा, जीरो। तो ये भी एरे की तरह जीरो से स्टार्ट होता है और 11 तक जाएगा, 12 तो नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है, कहां तक जाएगा भाई? अबे भाई बोल रहे यार, 11 तक जाएगा। इसके बाद क्या है? गेट डेट। एक गेट डे है और एक गेट डेट है। गेट क्या है? बोल ही नहीं रहे, तो डेट क्या करेगा? यानी 8वां मैंने लिखा था 8 जनवरी, तो 8 तारीख ले आया डेट। मतलब ये छोटी छोटी चीजें बस याद आ जाए तो अच्छा है। फिर है गेट फुल ईयर, क्या ये पूरा दिखाता है? ये पूरा दिखाता है, इसमें कोई हरकत नहीं करता। गेट फुल ईयर, इसमें क्या आ रहा है? 1993 ईयर आ रहा है, ये भी पूरा दिखा रहा है, आएगा ना पहली बारी। अब आ रही गेट आवर्स, क्या आ रहे भाई? गेट आवर्स जीरो आ रहे। अब आप सीन देखो 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 देखो, ओ भाई क्या हो गया तेरे को, कैसे पता? सुन लो सुनो, न्यू डेट जब मैंने लिखी उसके बाद मैं लिख रहा हूँ गेट आवर्स। न्यू डेट में यानी अभी की डेट है और टाइम है, ठीक है, तो अभी कितने बज रहे? 12:30।
और सारे 12 का मैं बोलूं गेट आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब सिर्फ आर्ट्स निकल के लाओ, क्या निकल के लाओ भाई, आवाज ही नहीं आ रही, क्या निकल के, तो वो आर्ट्स निकल के ले आ या ले आ या, ठीक है। इसके बाद क्या है, गेट मिनट्स, मतलब ये अलग अलग मेथड है, क्या आपको मैं बताऊं, आप खुद भी पढ़ सकते हो उसको यार। आर्ट्स अलग निकाल के ला रहा है, मिनट्स अलग निकाल के ला रहा है, और क्या ला रहा है, अबे भाई पूरा खोद के अंदर तक जा रहा है यार, सेकंड्स भी ले आ रहा है यार, ये ले भाई, और मिली सेकंड्स भी चाहिए, ये लो, नहीं तुम लो यार, खुश और गेट। अच्छा ये सारी हरकतें करने के बाद एंड में बोल रहे हैं सारी चीजें एक साथ भी ले सकते हो आप, कितनी बिगड़ती है देखो। गेट टाइम, ये टाइम कैसा आ रहा है अजीब सा, ये क्या भाई, ये क्या, ये टाइम है मिली सेकंड्स में, किसमें भाई, बोल ही नहीं रहे, मिली सेकंड में। तो हम जब डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं ना, तो इस फॉर्मेट में भी स्टोर करते हैं मिली सेकंड्स के अंदर, इसके अंदर सॉर्टिंग वगैरह इजी हो जाती है, सही ना। गेट टाइम इससे हम उसमें स्टोर कर रहे होते हैं, किसमें भाई, मिली सेकंड, मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के दो तरीके, एक डेट डॉट गेट टाइम है और एक और है डेट डॉट नाउ, ये भी आपको मिली सेकंड में लाएगी, करंट डेट और टाइम लिख लो, ये तरीके डेट डॉट नाउ नहीं लिखा हुआ। आपने क्रिकेट की गेम बनाई थी उसमें स्लिप यूज किया था, स्लिप स्लीप सिलाई, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो, वो चल नहीं रहा, चलता नहीं, नहीं चल, तो दिखाओ फिर कैसे नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, तो मसला होगा ना तभी ये चल रहा। हाँ भाई डेट डॉट नाउ क्या करता है, अबे भाई बोल दो यार, डेट डॉट नाउ क्या करता है, मिली सेकंड्स में करंट डेट और टाइम ले आएगा भाई, ये मेथड थे यार। बाकी अब यार ये चैप्टर खुद ही पढ़ना आगे वाला, क्या नहीं भाई तू मेरे पे हुक्म चलाएगा, भरम कैसे दे रहा, नहीं सर आप अच्छा सुन रहे हो भाई, ये खुद ही समझ ले, ये गेट है और आगे सेट का सीन है यार, ये असाइनमेंट में ही आप कर लोगे, इजी है, सही है ना, बोल ही नहीं रहे यार। तो ये हो गया आपका डेट का मैं थर्ड, डेट का मैं थर्ड। इसके बाद फंक्शन है और फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, स्विच हम पढ़ चुके हैं और वैल्यूज हम पढ़ चुके नहीं है। फिल्टर, फिल्टर अभी जावास्क्रिप्ट में अभी नहीं आ गया है, यानी वो नए वर्जन में फिल्टर है, मैप है, वो तो आप लोग बनाओगे ना, तो वो हो गई ना कंप्लीट, नहीं सर बाबर आजम आया और ये पूरा बाबर आजम, अबे उसको बोलने देते हैं, हाँ तो लिखो आप लोग जो करना करो। अब आप लोग नेक्स्ट असाइनमेंट स्ट्रीट फाइटर, मैंने कहा था पहले असाइनमेंट कर लो फिर स्ट्रीट फाइटर करना, हाँ खुद ही करनी है। स्ट्रीट फाइटर में क्या है, फट्टा ही करवाना, दो बंदे लेने जैसा पाकिस्तान इंडिया ले आता, दो कोई कैरेक्टर ले लो केन रियू का, सही है दो कैरेक्टर आ गए, और जिस तरह आपने छह अपने रेंडम नंबर जनरेट करवाए थे, आप एक एरे बना लो अटैक्स का, किसका भाई, पहले अटैक में लिखो पंच, दूसरे में किक, आप जितने लिखना चाहो लाइट पंच या जो भी लिखना चाहो, सही भाई, पंच हो गया, किक हो गया और वो स्पेशल अटैक हो गया, और एक हो गया डिफेंस, एक हो गया बोल ही नहीं रहे, डिफेंस यानी बचाना अपने आप को, जंप वाली वैल्यू भी डाल सकते हो इसके अंदर, आपने रख दिया कि जब पंच लगे, मतलब रैंडम नंबर से इन चारों में से कोई भी आ जाएगा भाई, रैंडम नंबर 0 से 3 तक जनरेट हो सकते हैं ना, बोल ही नहीं रहा, तो आपने एरे के अंदर 0 से लेकर भाई कैसे मैट डॉट रैंडम में कहना चाह रहा हूं, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं लेट्स इसको एक फंक्शन के अंदर रखा, अटैक करो, क्या करो, बोल ही नहीं रहा, मैं चाह रहा हूं इस एरे में से कभी कोई भी वैल्यू ले आए, कभी बोल ही नहीं रहा, तो कैसे हो सकता है ये बताओ, क्या करना पड़ेगा मुझे, रैंडम ले लो, रैंडम अटैक इज इक्वल टू अटैक्स के अंदर मैथ डॉट रैंडम चलाया मैंने एरे के अंदर मल्टीप्लाई में 3 और फिर मैथ डॉट राउंड या राउंड लगाऊंगा तो उसमें 3 आने के चांसेस है, तो 3 लाना है मुझे, हाँ 0 भी लाना है और 3 भी लाना है, 0 1 2 3 राउंड कर लो, चल
ठीक है, बोल ही नहीं रहा समझ में भाई। अटैक्स के एरे के अंदर जीरो से लेकर थ्री तक के कोई भी मैं वो ले रहा हूँ, अब रैंडम अटैक आएगा मेरे पास में, बोल ही नहीं रहा। कंसोल डॉट लॉग रैंडम अटैक, कभी क्या आएगा, किक आएगा, कभी स्पेशल अटैक आएगा, कभी डिफेंस होगा। अब मैं चला रहा हूं अटैक करो, क्या है क्या है, स्पेशल अटैक, ठीक है, पंच, किक भी आ जा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ये आ गए, सही हुई, बोल ही नहीं रहे। अभी चारों में से कोई भी रैंडम अटैक मार रहा है, आप चारों की आपने स्कोरिंग रखी हुई है, पंच जब लगे तो सामने वाले का 100 में से 10 स्कोर कम हो जाए, इस लाइफ होती है ना, सामने वाले मारते रहो तो कम होती जाती है। हाँ, इनिशियल 100 रखो दोनों की, सही, और दोनों के लिए अटैक करवाओ सामने वाले। आप सुनो ना, आप सामने वाले ने पंच मारा तो आपकी यानी दो अगर वैल्यूज खेल रही है, रियो ने पंच मारा तो केन के 10 कम हो गए, ठीक है। अच्छा, केन ने भी पंच मारा, ठीक है, लेकिन रियो ने जो है ना वो डिफेंस कर लिया, तो अब रियो के कम नहीं होंगे, ये कंडीशन बेस आपने खेलना होगा, समझ में आ रही, डिफेंस मतलब बचा लिया ना अपने आपको भाई। आप एक प्लेयर ने पंच मारा और दूसरे प्लेयर ने डिफेंस मारा, दोनों के लिए आप अटैक्स पहले निकाल लोगे, दोनों के अटैक्स क्या निकल रहे, एक ने पंच मारा दूसरे ने डिफेंस मारा, तो किसी की भी वैल्यू कोई कम नहीं होगी, क्योंकि उसने पंच मारा और उसने अपने आप को बचाया, सही है। और एक ये कि इसने पंच मारा उसने किक मार दी, तो पंच में 10 कम हो रहे हैं, किक में 20 कम हो रहे हैं, और स्पेशल अटैक्स में 30 कम कर दो, तो अब ये देखेंगे कौन जीता एट द एंड, कोई सीन है। हाँ, अब इसमें दोनों को साथ चलाना है, इसमें ये नहीं होगा कि पहली इनिंग चल रही है दूसरी इनिंग, इसमें एक ही फंक्शन चल रहा होगा और एक फंक्शन में दो बार आप अटैक्स करवा रहे होंगे, एक रियो के लिए पहले प्लेयर के लिए, एक दूसरे प्लेयर के लिए, जिस तरह ये मैंने अटैक का एक फंक्शन बनाया, तो ये क्या एक रैंडम अटैक करके निकाल रहा, ये रिटर्न कर देना और उस फंक्शन में दो बार कॉल कर देना, समझे भाई। एक वेरिएबल होगा रियो अटैक, एक वेरिएबल होगा कैन अटैक, यानी प्लेयर वन अटैक प्लेयर टू अटैक, फिर आप स्विच स्टेटमेंट से काम कर लो कि अगर अटैक पंच है तो इतने कम करवा दो, किक है तो इतने कम करवा दो, तो करते जाओगे ना आपकी लॉजिक दिमाग खुलता जाएगा, सही भाई। अब बोल ही नहीं रहे यार, तो यार आज इतना ही रखते हैं यार, क्या बोलते हो, ड्राई हो रही क्लास।